लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत आपका K24 न्यूज में। मेरे साथ सुभाष पंगरिया जी जुड़ चुके हैं, जो रेनू पानू का आपने सुना होगा कि टाइफाइड बिगड़ने से उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि संस्था की तरफ से पूरी कोशिश की गई थी बचाने की। इन्होंने पिथौरागढ़ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेकर हल्द्वानी तक इन्होंने शिफ्ट करवाया था और उसके इलाज में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उसके बावजूद बेचारी हमारी जो बच्ची थी वो नहीं बच पाई। सर स्वागत है आपका K24 न्यूज में। डिटेल से बताएं सर अपने बारे में और क्या क्या हुआ था और ये लड़की कब से आपके पास थी। जी धन्यवाद श्रीमान। हम कार्ड संस्था को 1999 से चला रहे हैं जी, और जो मानव तस्करी का काम होता है इस पर हम 2006 से थोड़ा थोड़ा काम शुरू किया था जी। 2015-16 में सरकार के साथ हमारा एक उज्ज्वला परियोजना है उसका टाइप हुआ जी। उसके तहत हमने पिथौरागढ़ में शेल्टर होम खोला जिसमें मानव तस्करी और पोक्सो से पीड़ित बच्चों के निवास का वो जी। क्या था कि जो बच्चे घर नहीं जा सकते वो यहाँ रहेंगे जी। तो इसमें हमारे साथ बहुत सारी लड़कियां कोर्ट ने रेफर की, CWC रेफर की या पुलिस रेफर की हमारे पास रही जी। ऐसे ही ये रेनू पानू कोर्ट द्वारा हमको रेफर की गई थी 2019 में जी। इसके साथ पोक्सो का कोई केस लगा था शायद, कोई साथ का कोई घटना इसका हुई थी जी। इसके माता पिता नहीं है, नहीं थे जी। इनकी एक दादी रहती थी जो विगत वर्ष में वो भी खत्म हो गई है जी। तो रेनू पानू हमारे साथ 2019 से रह रही है जी। बहुत मिलनसार, बहुत प्यारी बच्ची थी जी। हमने इसका स्कूल में एडमिशन करवाया, CWC की सहायता ली और रियल एडमिशन सहायता से हमने इसका भाटकोट विद्यालय में हमें इसका एडमिशन कराया। ये पढ़ाई करती थी जी। इसी साल नवम्बर इसी महीने में नवम्बर 4 तारीख को इसको हल्का बुखार आया तो हमने इसको पिथौरागढ़ अस्पताल में दिखाया जी। उन्होंने ब्लड सैंपल लिया और कुछ दवाई देकर भेज दिया जी। 4 दिन बाद 8 तारीख को फिर इसको अस्पताल में दिखाया जी। फिर उन्होंने इसको टाइफाइड की शिकायत है जी। 1 हफ्ते की दवाई देकर पुनः इसको हमारे होम में भेज दिया। ओके। 14 तारीख को इसको फिर दिक्कत शुरू हुई तो हमने उसको वहां ले गए तो उन्होंने उसको एडमिट कर दिया जी और कहा कि शायद इसका टाइफाइड ज्यादा दिक्कत कर रहा है। तो शाम तक उन्होंने अपने पास रखा, शाम को उन्होंने कहा इसको हायर सेंटर ले जाना पड़ेगा। हमने तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था की, उसको हल्द्वानी सुशीला तिवारी में सुबह 15 तारीख की सुबह इसको एडमिट किया। दिन भर यहाँ इसका उपचार चला, इसमें ब्लड भी चढ़ाया गया 3 यूनिट और भी टेस्ट लिए गए और भी इलाज किया गया। लेकिन शाम को 6:30 बजे बच्चे ने दम तोड़ दिया जी। बच्चे ने दम तोड़ दिया सर, इसमें क्या कहेंगे सर, ये कहाँ कोताही रह गई होगी, कमी कहाँ रह गई होगी, क्योंकि आपने तो अपनी तरफ से, संस्था ने पूरी तरह कोशिश की, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो जो उनको हुआ, जिस तरह आप बता पा रहे हैं, आपने पिथौरागढ़ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी उसको भर्ती कराया, उसके बाद आप सुशीला तिवारी लेके गए, कहाँ कमी रह गई होगी सर। एक तो आपका जो संस्था है इसको क्या सरकार की तरफ से कुछ मिलता है सर? आप लोग, मैं कह रहा हूँ कि हमारे साथ टाइप हुआ था 2015-16 में, तो पहले किस्त हमको 6 महीने की दी थी सरकार ने, एडवांस केंद्र सरकार ने जी। बाद में राज्य सरकार के सुपुर्द करिए, आप मॉनिटरिंग करेंगे, आप ही इसकी पैसा केंद्र सरकार देगी, थ्रू चैनल राज्य सरकार देगी जी। 2016-17 के बाद 2016-17 का शेष किस्त हमको कहीं नहीं मिली जी। 17-18 की एक 13,000 की 13 लाख की किस्त 17-18-19 की उन्होंने राज्य समाज कल्याण बोर्ड द्वारा दी गई हमको जी। अब ये 4 सालों से हमको कोई ग्रांट नहीं मिली। ओके सर, लंबित पड़ गए जी, प्रयास कर रहे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आप लोग तो नेक कार्य कर ही रहे हैं। आप लोग ऐसे तमाम बच्चियों को और तमाम ऐसे लोगों के लिए, चाहे आपकी संस्था जो है नशा मुक्त के लिए भी मानी जानी जाती है, क्योंकि नेहा पांडे बिष्ट इसमें भी कार्यरत हैं, वो भी बहुत अच्छा कार्य करती हैं। तो सर सबसे बड़ा सवाल पिथौरागढ़ जनपद की बात करें तो यहाँ अभी बड़े बड़े मेले आयोजित किए जा रहे हैं और रोज कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर, हजारों की संख्या में कलाकारों द्वारा जो कार्यक्रम होते हैं उसमें पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन जो आप नेक काम कर रहे हैं आप लोगों के साथ सरकार क्यों नहीं आती है, और जो आपके स्थानीय जो शासन प्रशासन है वो क्यों नहीं आप लोगों के साथ देता है, ये सबसे बड़ा सवाल। स्थानीय शासन प्रशासन बहुत साथ देता है जी। हमें जो है हर CDO जिलाधिकारी या SDM द्वारा हमेशा सपोर्ट किया गया और रिपोर्ट भी हमारी तरफ से उन्होंने सरकार को भी लिखा है कि इनका काम बहुत अच्छा है, इनका पेमेंट कर दी जाए जी। लेकिन सरकार के ओर से पता नहीं क्यों दिक्कत है, हमें समझ नहीं आता, क्योंकि सारे रिकॉर्ड जो मांगते हैं हम जमा करते हैं। बड़ी बात है कि हम प्रतिदिन सुबह 10 बजे रिपोर्ट भेजते हैं सरकार को,
कि हम बाबा कितने बच्चे हैं, क्या स्थिति है, क्या रोज सुबह 10 बजे उनको व्हाट्सएप पर रिपोर्ट देनी पड़ती है जी। हम भेजते हैं सरकार को, विगत 2-3 वर्षों से चल रहा है। कोरोना काल में भी बहुत सारे जो SOPs थी उसको फॉलो हमने किया और बच्चों को सुरक्षित रखा जी। अभी पेमेंट क्यों नहीं हो रही है, कहाँ अटकी है, मैंने सर कहा केंद्र राज्य सरकार के पास हमारे कई निवेदन चले गए, लगातार हम संपर्क में हैं। सर ये आप जी सर ये आप यहाँ के जिला अधिकारी से संबंधित जो रिपोर्ट होती है जिला अधिकारी को सबमिट करते हैं या सीधा देहरादून? बिल्कुल नहीं नहीं सर, यहाँ किसी भी प्रशासनिक अधिकारी CDO या जिला अधिकारी द्वारा विजिट की जाती है जी। हर साल का काम को वेरिफिकेशन किया जाता है जी जिला प्रशासन द्वारा जी, खुद स्वयं निरीक्षण करके जी फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है, तब ये रिपोर्ट हम आगे सबमिट करते हैं। ये जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी या CDO की रिपोर्ट ही है। तो ऐसे में सर पिथौरागढ़ जनपद की बात करें तो यहाँ पर भी काफी कर्मठ महिलाएं हैं जो आगे आकर काम करती हैं, चाहे मैं संस्थाओं की बात करूं या फिर जो भी पद में है, पद में भी काफी महिलाएं कार्यरत हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के भी काफी महिलाएं जो मुखर हैं और कार्यरत है, क्या इन लोगों का सपोर्ट भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मिल पाता है सर? जी बिल्कुल, हमें स्थानीय सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है जी, स्थानीय लोगों की मदद से हम बच्चों को खिला पा रहे हैं जी। अन्यथा पैसे का नितांत अभाव है, मकान मालिक का किराया पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो डंडे लगे सिर पर खड़ा है, कब खाली करो कब खाली करो। तो सरकार बिल्कुल भी सुध नहीं ले रही है इसमें? सरकार को हम लगातार संपर्क में, मुख्यमंत्री महोदय को कई पत्र दे चुके हैं जी हम, और रेखा आर्य जी को भी कई बार पत्र दे चुके हैं, लेकिन ये कहाँ अटका है, क्यों अटका हमारे समझ नहीं आता। नहीं ऐसे में देखिए सरकार को लगातार, जैसे कि पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि हम पुनर्वास की बात करते हैं और रिवर प्लानिंग की बात करते हैं, पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं और अभी एक नया पुष्कर सिंह धामी जी ने जी सर मैं एची और जोड़ूंगा आपके जी जी जी, ये विषय जो मुद्दा है लड़कियों के प्रति हिंसा का, ये बहुत शोचनीय विषय है। विगत कुछ वर्षों में ये मानव तस्करी के मामले में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड पहले स्थान पर चल रहा है जी। और कल 19 और 20 तारीख को माननीय हाई कोर्ट ने इस पर एक बैठक रखी है, जिसमें मुझे आमंत्रित किया है उजाला में जी, उजाला भवाली में मुझे भी आमंत्रित किया है कि उस पर अपना पक्ष रखूं मैं जी। वो तो पैसों का मामला इस अपराध के विषय में कुछ बैठक हो रही की ऐसा क्यों उत्तराखंड में बढ़ रहा है जी, वो मैं भी कल उसमें पार्टिसिपेट करूंगा जी जी जी। ये तो आपने मानव तस्करी के बारे में बात की है और मैं जैसे कि अभी हमारा जो मुद्दा है, अपना विषय जो है वो रेणु पानू के ऊपर ही हम फोकस रखते हुए बात करेंगे। सर आपको क्या लगता है कि ये जो उसके साथ जो कैजुअलिटी हुई लड़की के साथ, ये दुर्भाग्यपूर्ण था या किसी के अभाव में या चलते ये घटना घटी? देखिए सर मैं इसमें ऐसा नहीं कहूंगा, देखो डॉक्टर ने अपने उससे प्रयास किया जी, जो उनके पास संसाधन थे उन्होंने पूरा प्रयास किया, उसके बाद जब उनके पास संसाधन की सीमा से बाहर चले गया तो उन्हें रेफर किया जी, और हल्द्वानी में भी ब्लड चलाना तमाम प्रयास करने प्रयास यहाँ भी किए जी, रेफर में भी जैसे जी जैसे मैं रेफर भी किया तो रेफर के जी रेफर के बाद भी जैसे बताते हैं कि जैसे आपको कहा था कि इसको हल्द्वानी शिफ्ट करो तो आपने तत्काल प्रभाव से हल्द्वानी शिफ्ट किया, रात शाम को ही उन्होंने कहा, रात को एम्बुलेंस करके हम सुबह यहाँ ले आए थे हल्द्वानी, तो सुबह एडमिट कर दिया था जी। आप लोगों का जो प्रयास था वो सराहनीय था और लगातार आप लोग सराहनीय प्रयास करते हैं, हम सरकार से भी निवेदन करते हैं, जैसे कि पुष्कर सिंह धामी और खुद मंत्री रेखा आर्य अपने आप को बुआ और मामा कहलवा रही बच्चों से, तो ऐसे में मामा और बुआ का क्या फर्ज बनता है, उनको बखूबी निभाना चाहिए, ये लगातार हम भी मांग करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर, ये मामा और फूफा की जोड़ी को आप क्या कहना चाहेंगे कि ये प्रदेश में अगर इस तरह की, जैसे आपने बताया कि आपका पैसा पेमेंट अटका हुआ है तो सरकार संज्ञान नहीं दे रही है, तो क्या कहना चाहेंगे मामा और फूफा? मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जहां लड़कियों को बचाने और उसकी बात कर रहे हैं हम लोग जी, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि लड़कियों के साथ जिस तरह की दुर्व्यवहार हो रहे हैं और बच्चियों को रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, हम ऐसी पीड़ित बच्चों को जो आसरा दे रहे हैं आपके साथ टाइप है, तो कृपा करके इन बच्चों के हिस्से का जो पैसा है वो उसका मुक्त अवमुक्त करें, ताकि इन बच्चों की हम आगे सुचारू देखभाल कर सके। अगर ये कड़ी टूट गई, हमने हाथ छोड़ दिए, तो शायद बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि बिल्कुल दूसरा कोई भी हिम्मत नहीं करेगा खड़ा होने का। सर दूसरा विकल्प है भी नहीं, जैसे आप लोग विकल्प हैं और आप लोग कहीं ना कहीं देव दूध बनकर इन बच्चों के साथ और इन पीड़ित लोगों के साथ आप खड़े होते हैं कंधे से कंधा मिलाकर, मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों की, आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो चला रहे हैं उनकी उत्तराखंड को बहुत जरूरत है, न सिर्फ पिथौरागढ़ समूचे उत्तराखंड में जरूरत है। ऐसे में सर जब रेणु पानू के साथ ये घटना घटी तो अभी तक पिथौरागढ़ जनपद से कितने लोग आपके साथ आ चुके हैं और मदद के लिए हाथ बढ़ाने या फिर ढांढस बताने कितने लोग आपके पास
पास आ चुके हैं? नहीं नहीं, बहुत सर आज का ही मामला नहीं, मेरे पास तो, हमारे पास तो लोग पिछले कई, अगर वो लोग नहीं आते तो शायद हम नहीं चला पाते, लोग ही हमें खड़ा करते हैं कि लो बच्चों को ऋणी है तो हम देते हैं। व्यक्तिगत नाम मैं नहीं लेता, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खड़े रहते हैं, कभी भी किसी भी संकट में खड़े रहते हैं कि कभी भी दिक्कत आई तो हम आपके साथ हैं, चाहे कपड़े की हो, खाने की हो, इलाज की हो, लोग खड़े रहते हैं। अन्यथा हमारे पास पैसा नहीं था, सरकार ने हमें अनुदान नहीं दिया है विगत चार वर्षों से, हम इन बच्चों को नहीं, अगर ये समुदाय हमारा साथ नहीं देता तो हम शायद नहीं पल पाते। अभी ढांढस बताने के लिए कितने लोग आपके पास आ रहे हैं? सर लोग आ रहे हैं बिल्कुल सर, मैं इस समय हल्द्वानी में हूँ वर्तमान में, मैं उस इलाज के पहुंचाने बाद यहाँ गया था, वहां पर कितने आ रहे हैं मैं कहता, लेकिन मेरे पास फोन लगातार आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि किसी तरह की मदद की जरूरत है या वो बताए, आ रहे हैं लोग। तो इससे ये कहा जा सकता है कि जनपद पिथौरागढ़ हमारा बहुत ही एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला जनपद है, संबंधित क्षेत्र है वो बहुत। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय दिया, हालांकि आप अभी हल्द्वानी में हैं और आप लोग इस जो घटना घटी थी इससे उभर भी नहीं पाए हैं आप लोग। मेरा सवाल अभी भी, बहुत सारे सवाल थे लेकिन उचित नहीं है अभी, कभी मौका मिलेगा मैं डिटेल में और आपसे बात करूंगा। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।